आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाली है। आज अपन एक स्पेशल कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जेएनएम के बाद किया जा सकता है, और इस कोर्स को बोलते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये क्या होता है? जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, ये एक डिग्री प्रोग्राम होता है, डिग्री प्रोग्राम होता है ये। जो आज अपन उस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि इग्नू यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है, करवाया जाता है टेस्ट, इसका आपको इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो इंदिरा इसका इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी डियर स्टूडेंट आपका पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये पूरा इग्नू का नाम है। तो ये जो इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, ये क्या है? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि 1985 में इस्टेब्लिश की गई थी। इस्टेब्लिश इन 1985। अपन देखते हैं कि बात कर लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई की, कि फॉर्म कैसे फिल करना है आपको। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म की लास्ट डेट है वो कितनी है। तो फॉर्म की लास्ट डेट पहले 19 अप्रैल 2022 थी, लेकिन इसको एक्सटेंड करके इस डेट को 24 अप्रैल 2022 कर दिया गया है। तो अगर आप पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं इग्नू से, तो आप 24 अप्रैल 2022 से पहले पहले फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म का फिल मोड है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन देखेंगे पोस्ट इग्नू से जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो रही है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो रही है, उसका मोड ऑफ अप्लाई डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एज क्या चाहिए इसके लिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके अंदर कितने हावर्स आपको देने पड़ेंगे, क्या फीस रहेगी, और थ्योरी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कौन कौन से थ्योरी रहेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल रहेंगे, तो वो सब इसके अंदर अपन डिस्कस। सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, सब्जेक्ट, और सबसे मेन है ड्यूरेशन, कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी। तो आज के इस वीडियो में अपन वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एक और है कि जो अगर आप इग्नू से जो कोर्स करेंगे उसके अंदर क्या होगा, ए लर्नर शुड कीप डुप्लीकेट कॉपी जो असाइनमेंट रेस्पॉन्स ऑफ टीएमए दैट मे बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस ए स्टूडेंट इवैल्यूएशन रिवीजन ऑन डिमांड। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको कोई भी आप ग्रेडिंग सिस्टम इग्नू इग्नू यूज द फॉलोइंग सिस्टम फॉर ग्रेडिंग इवैल्यूएटिंग लर्नर्स अचीवमेंट। लर्नर जो कि जो कोई भी एग्जाम दे रहा है तो उसके अंदर आप ग्रेडिंग सिस्टम मिलेगा। तो इसके अंदर क्या, लेटर ग्रेड ए मिला है आप तो मतलब एक्सीलेंट है, पॉइंट कितना होगा, 0.5 होगा। आपको लेटर बी मिला है तो वेरी गुड, पॉइंट कितना होगा, 4। ग्रेड सी के अंदर क्या होगा,
ग्रेड सी का मतलब है गुड परफॉर्मेंस आपकी, और पॉइंट ग्रेड कितना होगा 3। डी का मतलब होगा कि एवरेज है आप, क्वालिटी क्वालिटी लेवल एवरेज, और यहाँ पे पॉइंट ग्रेड रहेगा 2। यहाँ पे लेटर ग्रेड रहेगा ई, और अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है, पॉइंट ग्रेड रहेगा यहाँ पे 1। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, ये ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, अपन अपन देखते हैं आगे कि ये आप एग्जामिनेशन फी कैसे रहेगा। एग्जामिनेशन फी, तो एग्जामिनेशन फी के बारे में, इट इज एसेंशियल प्री रिक्वेस्ट फॉर यू टू सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर टेकिंग एग्जामिनेशन इन एनी कोर्स। अगर आपको किसी भी कोर्स का एग्जाम फॉर्म फिल करना है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फी ऑफ 200 पर कोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, थ्रू ऑनलाइन मोड। आपकी 200 रुपये प्रत्येक कोर्स के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, जिसको आप डेबिट क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। द स्टूडेंट मस्ट सबमिट ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म एज पर गाइडलाइन थ्रू इग्नू वेबसाइट एट www.ignu.ac.in। एज सबमिशन शेड्यूल एंड पेमेंट कैन डन बाई क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ऑफ एनी नेशनलाइज बैंक। बैंक नेशनलाइज बैंक के किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो। तो आपको साइट पे जाना पड़ेगा www.ignu.ac.in, या आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ये वेबसाइट रहेगी। सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जून का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन, इसके अंदर दो सेशन होते हैं, तो इसके अंदर 1 मार्च से लेके 31 अप्रैल नहीं होता, यहाँ बाय मिस्टेक है, 30 अप्रैल ही होता है। और सेकंड क्या होगा, सेकंड सेशन रहेगा 1 सितंबर टू 31 अक्टूबर, ठीक है। तो इग्नू के अंदर दो सेशन चलते हैं। आगे देखते हैं, वेयर टू सबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एज पर गाइडलाइन अवेलेबल ऑन इग्नू वेबसाइट www.ignu.ac.in। आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। द एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट और विदाउट लेट फी वेयर योर एप्लीकेबल शैल बी रिजेक्टेड। प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन केयरफुली बिफोर सबमिटिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है कि अगर आपने फॉर्म अच्छे से नहीं भरा, प्रॉपर तरीके से नहीं भरा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इश्यू ऑफ एग्जामिनेशन हॉल टिकट, द हॉल टिकट आर अपलोडेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट 10 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। आपका 10 दिन भी एग्जाम से 10 दिन पहले, वो 10 डेज एग्जाम, आपका जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले आ जाएगा। फॉर अपेयरिंग इन द एग्जाम द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द हॉल टिकट एंड अपेयर इन एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट आर रिक्वायरिंग टू कैरी देयर आईडी कार्ड एनी वैलिड फोटो आईडी कार्ड इश्यू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द एग्जाम सेंटर। आपको एग्जाम सेंटर पे कोई भी आईडी कार्ड लेके जाना है, जिसके अंदर वैलिड फोटो होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये ले जा सकते हैं, मोस्टली आधार कार्ड यूज होता है। इसके लिए देखते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, एडमिशन कैसे होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए इग्नू के अंदर। द एडमिशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम एट एडमिशन डॉट एजु करंट दो ये साइट है, वेबसाइट है। करंटली द फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर प्रोग्राम ऑफर थ्रू कॉमन प्रोसेस एक्सेप्ट मेरिट बेस्ड एंड एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम। द प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट दियर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर लॉगिंग
इन द सिस्टम एंड अपलोडिंग रिक्वायर डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ द सबमिशन एंड एडमिशन फॉर्म। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसके द्वारा आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स मांग रिक्वायर किए जाएंगे वो सब आप इसके अंदर फॉर्म के अंदर फिल करने हैं आपको। जो इग्नू का है वो जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का मोबाइल एप्लीकेशन भी है ई कंटेंट के नाम से। इग्नू ई कंटेंट मोबाइल ऐप इज एन ऑफिशियल मोबाइल ऐप ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। दिस ऐप इज आईसीटी इनिशिएटिव इग्नू टू प्रोवाइड डिजिटल लर्निंग एनवायरमेंट टू इग्नू लर्नर्स एंड एक्सटेंडिंग टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्नर सपोर्ट सर्विसेज टू दैम। द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू डिसमिनेटेड डिजिटेड कोर्स मेटेरियल टू इग्नू लर्नर्स। इग्नू लर्नर्स कैन यूज दिस ऐप टू असेस दियर कोर्स मेटेरियल थ्रू दियर हैंड डिवाइसेज सच एज मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स। तो आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो इग्नू के कोर्स हैं उनके बारे में और भी ज़्यादा जो स्टडी मटेरियल उसके बारे में जान सकते हैं। तो इग्नू अपन देख लेते हैं कि इग्नू नर्सिंग के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चलाता है। तो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन नर्सिंग, पीएचडी का फुल फॉर्म होता है पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है। पीएचडी का फुल फॉर्म हो गया। अब इसके अंदर और क्या क्या कोर्स, बैचलर ऑफ साइंस इन पोस्ट बेसिक पीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट नर्सिंग के अंदर कोर्स करवाती है इग्नू, सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर के अंदर सर्टिफिकेट करवाती, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच। ये क्या हो गया, जो बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम आफ्टर 2020, आफ्टर 2020, जो 2020 के बाद बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कर रहा है तो उनके कोर्स में ये ऐड कर दिया गया, ऐड इन कोर्स, ऐड इन। तो मतलब अगर आप 2020 के बाद बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रहे हैं तो आपको सीसीएच का सर्टिफिकेट है वो आपको कॉलेज वालों से मिलेगा। और आप जो सीएचओ पोस्ट होती है, सीएचओ कम्युनिटी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसकी पोस्ट पे आप काम कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो जो लोग 2020 से पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाहते थे तो उनको ये कोर्स के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। लेकिन जो 2020 के बाद जो कैंडिडेट जीएनएम या जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो वो जहां से कर रहा है उस कॉलेज से आपको सीसीएच सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसके द्वारा आप सब सेंटर पे जाके, सब सेंटर पे आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। और इसके अलावा देखो सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड, तो ये भी कोर्स इग्नू करवाती है। तो इग्नू देखो कितने कोर्स कराती है नर्सिंग के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोर्स करवाती है नर्सिंग के अंदर। अदर देखते हैं प्रोग्राम हेल्थ साइंस डिसिप्लिन, जो हेल्थ साइंस के रिलेटेड है उसके अंदर ये कोर्स करवाती है इग्नू। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ ये कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जेरियाट्रिक नर्सिंग। ये क्या है, ये ओल्ड एज नर्सिंग, ओल्ड एज नर्सिंग, जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनकी स्टडी वगैरह आपको क्या बोलते हैं, जेरियाट्रिक नर्सिंग बोलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एचआईवी मेडिसिन, सर्टिफिकेट इन हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर किया जा सकता है, सर्टिफिकेट इन योगा के अंदर किया जा सकता है, सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट इन जेरियाट्रिक केयर हेल्थ असिस्टेंट के अंदर किया जा सकता है, सर्टिफिकेट इन
फेबलोटोमी हेल्थ असिस्टेंट, फेबलोटोमी का मतलब होता है ब्लड सैंपल लेते हैं, तो ब्लड सैंपलिंग कोर्स। सर्टिफिकेट इन होम हेल्थ असिस्टेंट ये किया जा सकता है। फेबलोटोमी के अंदर मतलब होता है वेन वगैरह से जो ब्लड सैंपलिंग लेते हैं उसको फेबलोटोमी बोलते हैं। अब देखते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बारे, बीएससी नर्सिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो इसके अंदर देखते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर, मतलब बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अंदर होता क्या। पोस्ट बेसिक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अंदर होता क्या है वो मैं बताता हूँ कोर्स के अंदर। तो वो देखो इसके अंदर क्या, इसके अंदर द यूनिवर्सिटी फॉलो द क्रेडिट सिस्टम फॉर इट्स वेरियस डिग्री प्रोग्राम। जो यूनिवर्सिटी है वो डिग्री जो क्रेडिट सिस्टम है वो यूज करती है। ईच क्रेडिट अमाउंट ऑफ 30 hours ऑफ स्टडी कंपराइजिंग ऑल लर्निंग एक्टिविटीज। जो 30 hour ईच जो क्रेडिट होता है, वन क्रेडिट बराबर 30 hours होते हैं। थस ए 4 क्रेडिट कोर्स इन्वॉल्व 120 स्टडी आवर्स। मान लो कि 4 क्रेडिट के अंदर कितना हो गया, तो इसके अंदर 120 आवर्स हो गए। एंड 8 क्रेडिट कोर्स इन्वॉल्व 240 स्टडी आवर्स। टू कंप्लीट द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल स्टूडेंट विल हैव टू अर्न 108 क्रेडिट ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 5 years डिपेंडिंग ऑन हिज कॉन्वीनियंस। आप 3 साल से लेकर 5 साल के अंदर इस कोर्स को पूरा कर सकते हो। 5 साल से ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। द पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग इज ए 3 year डिग्री प्रोग्राम। यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना, 3 year डिग्री प्रोग्राम, 3 डिग्री प्रोग्राम है। और जो अदर यूनिवर्सिटी कराती है, जो ओपन यूनिवर्सिटी नहीं होती, वहां पे क्या है, अदर यूनिवर्सिटी के अंदर कितना होता है ड्यूरेशन, 2 ईयर होता है। लेकिन यहाँ पे कितना होता है ड्यूरेशन, 3 ईयर। तो बिकॉज 3 ईयर एक्स्ट्रा क्यों होता है 1 ईयर, तो एक्स्ट्रा जो ये कोर्स है वो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। मतलब इस कोर्स को करने के साथ साथ आप जॉब कर सकते हो, तो आपका ये वैलिड माना जाएगा। दिस कोर्स हैज टू मेजर कंपोनेंट्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स। इट डिवाइडेड इनटू 22 कोर्सेज, 11 थ्योरी एंड 11 प्रैक्टिकल। तो इसके अंदर टोटल जो 22 कोर्सेज होते हैं, तो थ्योरी कोर्स के अंदर कितने होते हैं क्रेडिट, 42 क्रेडिट होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर 18, सेकंड ईयर के अंदर 12, थर्ड ईयर के अंदर 12। यहाँ पे प्रैक्टिकल कोर्सेज देखते हैं वो जो कि 66 क्रेडिट्स होते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर 16 क्रेडिट, सेकंड ईयर के अंदर 26, थर्ड ईयर के अंदर 24 क्रेडिट्स। तो यहाँ पे मैंने बताया 1 क्रेडिट बराबर 30 आवर्स, तो यहाँ पे 108 क्रेडिट्स हैं। 108, तो 108 को 30 से गुणा करेंगे तो आपको 3240 आवर्स ये पूरा करेंगे तो आपको यहाँ पे ये कोर्स मिल जाएगा, ये जो डिग्री है वो आपको मिल जाएगी एग्जाम दोगे तो। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ थ्योरी कोर्स, मतलब ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स कौन 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 से, तो फर्स्ट ईयर के अंदर कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो इसके अंदर देखो फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो नर्सिंग फाउंडेशन रहेगा। तो इसके अंदर क्रेडिट 4 रहेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4 रहेंगे, नंबर ऑफ असाइनमेंट 2 रहेंगे, काउंसलिंग सेशन हावर्स 24,
सेल्फ स्टडी हाउस 96। अप्लाइड साइंसेस के अंदर क्या क्रेडिट रहेंगे? 4 क्रेडिट। नंबर ऑफ ब्लॉक्स 5 रहेंगे। नंबर ऑफ असाइनमेंट 2। काउंसलिंग सेशन हावर्स 15। सेल्फ स्टडी हावर्स 105। और मैटरनल नर्सिंग रहेगा थर्ड सब्जेक्ट, यहाँ पे 1, 2, 3। यहाँ पे क्रेडिट 2 रहेंगे। नंबर ऑफ ब्लॉक्स 2 रहेंगे। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 1। काउंसलिंग सेशन हावर्स 12। सेल्फ स्टडी आवर्स 48। कम्युनिकेटिव इंग्लिश 4 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा। क्रेडिट 4। नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4। नंबर ऑफ असाइनमेंट 2। काउंसलिंग सेशन हावर्स 12। सेल्फ स्टडी हावर्स 108। फिफ्थ सब्जेक्ट क्या रहेगा इसके अंदर? बिहेवियरल साइंसेस। तो इसके अंदर क्रेडिट 4, ब्लॉक 4, ब्लॉक्स 4 रहेंगे। नंबर ऑफ असाइनमेंट 2 रहेंगे। काउंसलिंग सेशन आवर्स 24 रहेंगे। सेल्फ स्टडी हावर्स 96 आवर्स रहेंगे। तो ये अपने देखा फर्स्ट ईयर का सिलेबस, फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखे। अब सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स, सेकंड ईयर के जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसके अंदर क्रेडिट 4 रैंक, एक 1 क्रेडिट बराबर मैंने 30 आवर्स बताए वो भूलना मत। नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4। नंबर ऑफ असाइनमेंट 2। और काउंसलिंग सेशन आवर्स कितने? 24। सेल्फ स्टडी आवर्स 96 आवर्स। यहाँ पे पीडियाट्रिक नर्सिंग जो कि जो यहाँ पे सेकेंड ईयर में आ रही है, लेकिन जो डायरेक्ट बीएससी करते हैं उसके अंदर थर्ड ईयर के अंदर आती है पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो क्रेडिट 4। नंबर ऑफ ब्लॉक 4। सेशन हावर्स असाइनमेंट 2। सेशन आवर 24। सेल्फ स्टडी हावर्स 96। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये भी बीएससी जो डायरेक्ट बीएससी करते हैं अपने 12th के बाद उसके अंदर, ये बीएससी थर्ड ईयर के अंदर आती है। ये तीनों सब्जेक्ट थर्ड ईयर के अंदर चलते हैं, जो बेसिक बीएससी जो डायरेक्ट बीएससी होती है उसके अंदर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रेडिट 4 रहेंगे। नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी 4 रहेंगे। नंबर ऑफ असाइनमेंट 2 रहेंगे। काउंसलिंग सेशन आवर्स 24 और सेल्फ स्टडी आवर्स 96 रहेंगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट थर्ड ईयर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। तो थर्ड ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट ऑफ थर्ड ईयर, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इग्नू से, तो थर्ड ईयर के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहेगा, जिसके अंदर जैसे कि क्रेडिट्स कितने रहेंगे? क्रेडिट्स 4 रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4। नंबर ऑफ असाइनमेंट 2 या 2। काउंसलिंग सेशन आवर 24। सेल्फ स्टडी आवर 96। ये इसके अंदर ये रहेंगे। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड ईयर के अंदर, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4। असाइनमेंट 2। काउंसलिंग हावर्स 24। सेल्फ स्टडी आवर 96। तो ये अदर सब्जेक्ट रहेगा नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको बोलते हैं सीईटी, नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसके अंदर भी ये रहेगा। तो आपको सब ये आपको एक सब्जेक्ट बताने का मतलब ये था कि आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में फुल डिटेल पता होनी चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने आवर्स के होते हैं, कितने असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने हो गए, टोटल 12। यहाँ पे 12 असाइनमेंट, टोटल 6 हो गए। सेशन आवर 22 हो गए। और जो सेल्फ स्टडी आवर्स है वो कितने हो गए यहाँ पे थर्ड ईयर के अंदर? 288। सेकेंड ईयर के अंदर 240। फर्स्ट ईयर के अंदर 453। 453। तो टोटल आवर्स कितने हो गए यहाँ पे? क्रेडिट कितने हो गए? 42। यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स 42। यहाँ पे असाइनमेंट हो गए, असाइनमेंट 20 असाइनमेंट आपको जमा करवाने पड़ेंगे। और काउंसलिंग सेशन आवर्स 231 और सेल्फ स्टडी आवर्स 1029। तो टोटल आवर्स ऑफ थ्योरी एंड सेल्फ स्टडी कितने हो गए? 1260। तो 1260 आवर्स के अंदर आपको
ये आपको देखना पड़ेगा। ये ग्रांड टोटल्स हो गए, ठीक है। अब वो अपन थ्योरी सब्जेक्ट देखे थे, अब ये है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अंदर, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल कोर्सेज पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की फुल डिटेल हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर के अंदर अपन देखते हैं नर्सिंग फाउंडेशन का होता है जो प्रैक्टिकल कोर्स, प्रैक्टिकल होगा इसका अप्लाइड साइंस को, मैटरनल नर्सिंग का हो, जो ये हावर्स है वो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको याद रखना है कि किस किस का प्रैक्टिकल। सेकंड ईयर के अंदर आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का प्रैक्टिकल होगा, पीडियाट्रिक नर्सिंग का होगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का होगा। थर्ड ईयर के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च, कंप्यूटर इन नर्सिंग। यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है कंप्यूटर इन नर्सिंग। तो इसके अंदर देख लो क्रेडिट्स कितने होंगे, 66 नंबर ऑफ ब्लॉक 23, और प्रैक्टिकल सेशन हावर्स 1042 हावर्स, सेल्फ स्टडी एक्टिविटीज इसके अंदर 938 हावर्स। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल सेल्फ एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल कॉन्टेक्ट सेशन कितने हो गए, 1980। तो ये सब ये प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल सेशन। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अंदर, और कौन कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने असाइनमेंट आपको जमा करवाने पड़ेंगे टोटल, मतलब 3 साल के अंदर। तो अगर अपन पिछले और इस आवर्स को जोड़ते हैं तो टोटल आवर्स 3240 आवर्स बनते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो अकेडमिक सेशन क्या है, ये जो 1 क्रेडिट है वो इक्वल टू 30 स्टडी आवर्स के बराबर होता है। एकेडमिक सेशन द प्रोग्राम कम फ्रॉम जनवरी टू जनवरी ऑफ एवरी ईयर। यहाँ पे हर साल के जनवरी सेशन से एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है। अब देखो एडमिशन कैसे होता है। द एडमिशन विल बी मेड वंस इन ईयर फॉर इन सर्विसेज नर्सेज। जो जो नर्सिंग जो नर्सेज हैं जिन्होंने जेएनएम वगैरह कर रखा है, तो उन लोगों के लिए ये एडमिशन साल में एक बार होता है। द एप्लीकेशन शुड बी पब्लिश इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, वो वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट था एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इन सर्विस नर्सेज जैसे रजिस्टर्ड नर्सेज एंड रजिस्टर्ड मिडवाइव्स आरएन आरएम। तो आपको आरएन आरएम का मतलब होता है, आरएन का मतलब रजिस्टर्ड नर्स, आरएम का होता है रजिस्टर्ड मिडवाइफ, हैविंग 10+2 विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जेएनएम विथ ए मिनिमम ऑफ 2 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज आरएन आरएम। आपका रजिस्ट्रेशन किस डेट को हुआ है, आर एन आर एम, जेएनएम की फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके रजिस्ट्रेशन की डेट के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो वरना आप इग्नू से नहीं कर पाएंगे। फॉर मेल नर्सेज हु हैव नॉट डन मिडवाइफरी इन द जेएनएम प्रोग्राम शुड हैव ए सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ नर्सिंग कोर्स ऑफ 6 से 9 मंथ ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल इन द मिडवाइफरी। तो अगर किसी के पास मिडवाइफ का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके पास कोई भी नर्सिंग का 6 से 9 मंथ का
कोर्स वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, इन सर्विसेज नर्सेज RNRM हैविंग 10th क्लास मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ JNM विद मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन प्रोफेशन। पहले क्या होता था, पहले 10वीं के बाद डायरेक्ट JNM कोर्स हो जाता था, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने 10वीं के बाद डायरेक्ट JNM कोर्स कर रखा है, तो उन लोगों के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के बाद। और इसमें वही कंडीशन रहेगी, अगर मेल का मिडवाइफरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका कोई भी नर्सिंग काउंसलिंग INC से कोई भी नर्सिंग का कोर्स जिसकी ड्यूरेशन 6 से 9 मंथ हो होना चाहिए। यहाँ पे देखो सबसे मेन इम्पोर्टेंट नोट नोट डाल के ले, कैंडिडेट विथ लेस देन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर RN RN RM शुड नॉट अप्लाई। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद का 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। देख लेते एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो एज एज ऑफ एडमिशन देयर इज नो लिमिट ऑफ एज लिमिट, यहाँ पे एज की कोई लिमिट नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, तो इसके अंदर देखते हैं कि कितने टाइम का ड्यूरेशन है। द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोग्राम इज 3 ईयर, मिनिमम है मिनिमम, तो ये 3 ईयर रहेगा। However, the student are given a maximum period of 5 years to complete the program from the date of registration, after which is student have to apply to apply for readmission, paying the quota fee for each incomplete course of theory and practical components. अगर 5 साल के अंदर आपको आपको मैक्सिमम 5 साल दिए जाएंगे आपको पेपर क्लियर करने के लिए, अगर 5 साल के बाद भी आप पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर री एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अपन ने देखा, इसके अलावा अपन देखते हैं, इसके अलावा मीडियम क्या रहेगा। मीडियम मीडियम इंग्लिश रहेगा, हिंदी मीडियम नहीं रहेगा। सीटें कितनी, तो ये हर साल सीटें अलग अलग होते हैं। द नंबर ऑफ सीट अप्रूव बाई INC फॉर एडमिशन टू इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम वेरियस फ्रॉम PSC, तो ये को सीटें हैं वो हर साल अलग अलग रहेंगी। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन एडमिशन फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी प्रोग्राम फॉर January 2022 सेशन विल बी डन रीजन वाइज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। रीजनल सेंटर्स वेयर पोस्ट बेसिक बीएससी प्रोग्राम स्टडी सेंटर एस्टेब्लिश विल डू द काउंसलिंग एंड एडमिशन। आपका एडमिशन किस बेसिस पे होगा, आपका एडमिशन जो टेस्ट होगा टेस्ट के अंदर आप कितने नंबर आए उस हिसाब से ये किया जाएगा। किस रीजन से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो अलग अलग रीजन का अलग अलग मेरिट के हिसाब से कट ऑफ जाता है, तो आपका मेरिट रिटर्न टेस्ट होगा ओनली, इसके अंदर कोई और टेस्ट नहीं देने की जरूरत है आपको। तो जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट उसके अंदर क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है, कैंसर क्या हो, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अप्लाई सबमिट देयर एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम थ्रू ऑनलाइन पोर्टल विजिट www.ignu.ac.in। इट मे बी नोटेड दैट द प्रोग्राम स्टडी सेंटर फॉर पोस्ट बेसिक आर लोकेटेड ऑनलाइन रीजन रीजनल सेंटर इज गिवन। रीजनल सेंटर्स के अंदर एग्जाम का जो सेंटर है वो आपको मिलेगा। सो कैंडिडेट रिक्वेस्ट इंटर फिल, आप अपने हिसाब से जो भी रीजन है वो आप भर सकते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन ए शेड्यूल डेट डिसाइड बाय यूनिवर्सिटी इन सेंटर आइटम हेड फॉर ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी सेंटर्स हैं अलग अलग रीजन के अंदर, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी कभी भी अपने डेट डिसाइड करके एग्जाम करवा देगा। तो एंट्रेंस टेस्ट विल कंप्राइज 120 मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बीरिंग वन मार्क इज, एक नंबर का क्वेश्चन होगा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट टॉट इन JNM। जो JNM के अंदर आपने क्वेश्चन देखे हैं, जो JNM के अंदर जो आपने पढ़ा है उसी में से JNM लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। The candidate will be provided OMR sheet for marking the response. A sample of OMR sheet is attached. इसके अंदर आपको ये ऑफलाइन मोड होगा एग्जाम का, ऑफलाइन मोड ओमआर सीट पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब ऑफलाइन एग्जाम। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी डन 2.5 आवर, 2.5 घंटे का
टाइम रहेगा टेस्ट का। 120 क्वेश्चन आएंगे जीएनएम के अंदर, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उस लेवल के आएंगे, और एक नंबर एक क्वेश्चन का होगा, बीनिंग वन मार्क इज एक नंबर, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का नहीं लिखा है तो हम कुछ नहीं बता सकता। तो जो ऑफलाइन जो एग्जाम का मोड रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, आपको मार्कशीट पे पेपर देना पड़ेगा। पेपर का जो टाइमिंग रहेगा वो कितना रहेगा, 2.5 आवर, 2 आवर्स एंड हाफ आवर, 2.5 घंटे रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड काउंसलिंग, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आपने रिजल्ट चेक कर लिया, उसके बाद काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कैंडिडेट विल रिक्वेस्ट टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एडमिशन अलॉन्ग विथ ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग काउंसलिंग विच विल बी कंडक्टेड एट कॉन्करेंट रीजन सेंटर। आपके अंदर जो रीजनल सेंटर, आपने जो रीजनल सेंटर भरा था वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहां पे आपको जाके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करवाना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या क्या रहेगा, तो उसके अंदर आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट, और आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जो एग्जाम का वो रखना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास सर्टिफिकेट वो चाहिएगा। 12th पास सर्टिफिकेट चाहिएगा वैलिड, जो आपका रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स का सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा। वैलिड आरएम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम मोर देन वन काउंसिल प्रोड्यूस ऑल द सर्टिफिकेट एट अ टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग। अगर आप एक से ज्यादा नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो आपको सभी जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो एडमिशन के टाइम आपको देने पड़ेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा ऑन लेटर हेड ऑफ द कंपोनेंट अथॉरिटी विथ फुल नेम डेट एंड सिग्नेचर विथ स्टाम्प। जहाँ से आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे वहाँ पे जो अथॉरिटी है उसका फुल नाम होना चाहिए, डेट एंड सिग्नेचर होना चाहिए और स्टाम्प होना चाहिए। एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड आफ्टर आरएम रजिस्ट्रेशन टिल द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द यूनिवर्सिटी। जो एक्सपीरियंस आपका कब से कब का काउंट होगा, तो एक्सपीरियंस आपका जब से जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ है और फॉर्म भरने की यूनिवर्सिटी की जो लास्ट डेट है उसके जो बीच का ड्यूरेशन है वो आपका एक्सपीरियंस के अंदर जो एक्सपीरियंस का जो टाइमिंग है उसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाए। जीएनएम मार्कशीट इंक्लूडिंग मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर, जीएनएम की जो ऑल मार्कशीट है वो कंसिडर वो आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर करेंटली वर्किंग क्लियरली इंडिकेटिंग डेट यू आर प्रेजेंटली वर्किंग एंड इन सर्विस। ये जहाँ से आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC। तो उसके अंदर क्लियर इंडिकेशन होना लिखा हुआ होना चाहिए कि आप वर्किंग हैं और आप इन सर्विस कैंडिडेट हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट इंक्लूड रिजर्वेशन स्टेटस फॉर SC ST नॉन क्रिमिलेयर ऑफ OBC PH फिजिकल एंड कश्मीरी माइग्रेट एंड वॉर विडो ETC। तो आपको ये अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आपको देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट इन केस ऑफ नॉन क्रिमिलेयर ऑफ OBC और EWS को, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आपको ये चीजें काउंसलिंग के अंदर आपको लेके जानी पड़ेगी। अब देखते हैं, सबसे पहले आ रहा था कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि फीस कितनी लगी। तो डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 23,000 टुवर्ड फर्स्ट ईयर एडमिशन फी इन फेवर ऑफ इग्नो पेबल एट कंक्रेंट रीजनल सेंटर कैन वेरी टाइम टू टाइम। तो ये फीस है 20,000, टाइम टू टाइम बढ़ सकती है घट सकती है, वो टाइम टू टाइम। तो आपको 20,000 फीस जमा करानी पड़ेगी यहाँ टुवर्ड फर्स्ट ईयर एडमिशन फी इन फेवर ऑफ इग्नो, इग्नो के अकाउंट के अंदर ही आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी। वो मोड कौन सा होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, मोस्टली ऑनलाइन होने लग गया इससे पहले। बैंक के DDA बैंक के अंदर आपको जाना ही पड़ेगा, सॉरी ऑफलाइन होगा, बैंक के अंदर जाना पड़ेगा। द एडमिशन विल बी मेड रीजन वाइज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, रीजन वाइज होगा और मेरिट के बेसिस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी आफ्टर वेरिफिकेशन टू डॉक्यूमेंट्स रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉलोड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। जो रिजर्वेशन इसके अंदर मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो अगर टाई हो जाता है सिलेक्शन के अंदर तो इसके अंदर लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस जिसका ज्यादा है उसको प्राथमिकता देंगे।
अगर वो एक्सपीरियंस भी सेम है तो जिसके जीएनएम में ज्यादा मार्क्स हैं उसको वो देंगे, उसको पहले लेंगे। वो भी अगर जीएनएम में भी मार्क्स सेम है तो डेट ऑफ बर्थ। जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है उसको पहले लिया जाए। और ये भी सेम है तो लॉटरी सिस्टम अपनाया जाएगा। यहाँ पे नोट है जो ओबीसी कैंडिडेट टर्म के लिए, द ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रिमिनल लेयर शुड नॉट बी मोर देन 3 ईयर ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। कि जो आपका ओबीसी का नॉन क्रिमिनल लेयर का सर्टिफिकेट है वो जब फॉर्म की लास्ट डेट था उससे 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ऑल्सो नीड टू बी प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट वेन यू रिक्वायर्ड। अगर आप जरूरत पड़ी तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ आर बीइंग यूज फॉर टाइप ब्रेक। इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज थ्री पैरामीटर मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म शुड मैच विद द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय यू। इन केस डू नॉट मैच द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। रूल्स रिलेटेड टू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी फॉलोड प्रॉपरली। जो आपका आप जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो सारे सही होना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? द कैंडिडेट हु आर ऑफर्ड एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट प्रोग्राम फी। एडमिशन विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ प्रोग्राम फी। आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट जांच होगी, आपकी फीस की रसीद जो फीस की रिसिप्ट उनको मिल जाएगी, फीस चेक होगी आपकी, उसके बाद ही आपका एडमिशन और कंफर्मेशन माना जाएगा। और जो फीस है वो कभी भी रिफंड नहीं होगी, नॉट नॉट नॉन रिफंडेबल है, आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। स्टूडेंट्स मस्ट मेंशन देयर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अदरवाइज इट विल बी देयर रेस्पॉन्स विल कलेक्ट अपडेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू काउंसलिंग। इग्नू विल नॉट रेस्पॉन्स फॉर नॉन रिसिप्ट इंफॉर्मेशन टाइम। आपको जो फॉर्म है उसके अंदर मेल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको सही देने हैं ताकि इग्नू आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। अगर ये आप गलत देते तो इग्नू की तरफ से इग्नू की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ऑल द कम्युनिकेशन विद कैंडिडेट विल मेड ओनली थ्रू ईमेल आईडी एंड इग्नू वेबसाइट। इग्नू वेबसाइट और ईमेल आईडी पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मिलेगी। ईमेल आईडी फंक्शन में होनी चाहिए और जो आपने लिखा है जो भी चीजें फॉर्म के अंदर वो सारी चीजें ठीक लीगली लीगली रूप से सही होनी। प्रोग्राम स्टडी सेंटर वंस अलॉटेड विल नॉट बी चेंज थ्रू आउट द पीरियड ऑफ स्टडी। अगर आपने कोई भी सेंटर भर दिया है स्टडी सेंटर तो वो आपको एक बार मिलने के बाद चेंज नहीं होगा। अब प्रोग्राम फी यहाँ पे देख लिया आपने। ₹20,000 मतलब 20,000 पर एनम एक साल की लगेगी। ₹20,000 पर ईयर तो आपकी बीएससी टोटल 2-3 साल की है तो 60,000 के अंदर, 60,000 के अंदर बीएससी होगी। 3 साल हैं। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू पोस्ट बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम आर एडवाइज नॉट टू पे द फी अलॉन्ग विद द फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एंड दे विल गेट ए सेपरेट कम्युनिकेशन अबाउट दियर एडमिशन एंड पेमेंट फी। तो आपको जो फीस है वो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के टाइम नहीं भरनी है। इस फीस के लिए आपको अलग से कम्युनिकेशन किया जाएगा, आपको अलग से मैसेज दिया जाएगा। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट आपके द्वारा जमा करवानी होगी फीस। तो ये हो गया। अब देखो काउंसलिंग प्रोसीजर फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम जनवरी 2022। तो ये 2021 की जो सीटें हैं वो कितने? टोटल 620 सीट है अकॉर्डिंग टू आईएनसी। अब देख टोटल सीट यही है।
अब देखो आपको जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड बिफोर सिलेक्टिंग ए प्रोग्राम स्टडी सेंटर। आपको स्टडी पीएससी प्रोग्राम स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें याद रखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू टेक 48 days, 58 days एंड 58 days लीव इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर टू अटेंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल काउंसलिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम विच इज कंपल्सरी रेस्पेक्टिवली। तो जो आपके सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के जो प्रैक्टिकल हैं वो आपको कंपल्सरी है अटेंड करना। देयर विल बी इनिशिएटिव थ्योरी एंड प्रैक्टिकल काउंसलिंग फॉर ईच कोर्स इन ईच ईयर विच वुड रिक्वायर ट्रेवलिंग टू पीएससी। प्रोग्राम स्टडी सेंटर पे आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा। इन थ्योरी 75% एंड प्रैक्टिकल 90% अटेंडेंस इन काउंसलिंग सेशन इज कंपल्सरी इन ईच कोर्स। आपकी अटेंडेंस है 75 थ्योरी के अंदर, 90% प्रैक्टिकल के अंदर होना मैंडेटरी है। अब होती है नहीं होती, लेकिन जो डॉक्यूमेंटली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यू शुड बी कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज ऑफ रीजन। प्रोग्राम स्टडी सेंटर यू आर सिलेक्टिंग टू मेनी सुपरवाइज प्रैक्टिकल एक्टिविटीज नीड इंटरेक्शन विद क्लाइंट एंड कम्युनिटी। द प्रोग्राम स्टडी सेंटर विल बी अलॉटेड बाई काउंसलिंग कमिटी एट रीजनल सेंटर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने आपको ये बताया, आपको ये सब चीज़ें चाहिएंगी जो कि आपको मैंने पीछे बताया। आपको इनकम टू पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएंगी, फोटो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर सबमिट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, डिमांड ड्राफ्ट आपको ये कराना पड़ेगा 20,000 का, या आप बैंक में जाके करा सकते हैं। या प्रोग्राम स्टडी सेंटर देखो ये देख लेते हैं मैन मैन कितने हैं, 22 सेंटर है। तो आपको नाम बता देता हूँ फटाफट। तो ये विशाखापट्टनम में है आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर 30 सीट है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश 30 सीट है। सिकंदराबाद तेलंगाना के अंदर 20 सीट है। इंद्रपुर गुवाहाटी के अंदर 30 सीट है। लाजपत नगर राजकुमारी अमृत कौर, तो इसके अंदर 30 सीट है। दिल्ली के अंदर 25, अहमदाबाद के अंदर 30, श्रीनगर के अंदर 20, कर्नाटका के अंदर 30, राजाजी नगर के अंदर, बेंगलोर के अंदर 30, नारायणपुर इंदिरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेंगलोर के अंदर 30, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन सर जे जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल कंपाउंड भूलिया मुंबई, इसके अंदर 30 सीट्स हैं। पुणे के अंदर कॉलेज है, इसके अंदर 30, इजवाल के अंदर 15, लुधियाना के अंदर 30, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जे एल मार्ग जयपुर इसके अंदर 30 है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर 30, कोलकाता 30, कोलकाता जावदापुर 30, कोयम्बटूर केरल के अंदर 30 सीट, चेन्नई के अंदर 30 सीट, तमिलनाडु के अंदर 30 सीट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 62 थी। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें आज की क्लास में बता दी है। जो आज का वीडियो देखने के बाद आपको गारंटी है, आपको कभी भी बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कैसे क्या करना पड़ेगा आपको। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच, होप सो आपको सब समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।